जय माता दी दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे कि आप अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे हो एक तरफा प्यार या फिर हो कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई भी समस्या है, अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं या फिर आप अपने घर को नया बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी अगर कोई विश है, कोई आपकी इच्छा है, तो आप उसे सिर्फ इस एक उपाय से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये उपाय आजमाया है और सबको इसका फायदा मिला है। एक ऐसा उपाय जिसमें ना कोई मंत्र बोलना है, ना ही आपको कोई ऐसी सामग्री जलानी है या फिर कोई ऐसी सामग्री फेंकनी है, कुछ नहीं करना है। आपके घर में ही आपको एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिसकी मदद से आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए और आपके मन में बिल्कुल भी डाउट, बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि 100% गारंटी के साथ आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। अब इसे करने के लिए आपको किस सामान की जरूरत है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिर्फ एक रुमाल चाहिए होगा, रुमाल, प्लेन रुमाल ले लें, कोई भी रुमाल चलेगा, चाहे फीमेल हैंकी हो या फिर मेल रुमाल हो, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 11, 21 या 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो और आपके पास पैसे हो, उतने पैसे आपको लेने हैं और उसके बाद आपको उस रुमाल में उस पैसे को रख देना है और उसमें एक गांठ लगानी है। जिस समय आप गांठ लगा रहे होंगे उस समय आपको बोलनी है अपनी विश, यानी जो भी आपकी इच्छा है वो आपको उस समय बोलनी है। आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो गांठ लगाते समय आप बोलेंगे कि मुझे नया घर खरीदना है। घर को बेचना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं कि मेरी लव मैरिज फलाना के साथ हो जाए। इस तरह से आपको वो लाइन बोलनी है, यानी वो इच्छा बोलनी है और रुमाल में गांठ लगा देनी है। अब आपको ये रुमाल ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर ये किसी को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, इस बात का बेहद अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि रुमाल आपको ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर जब आप खुद भी ढूंढने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़े। ऐसा नहीं कि आंखों के सामने रखा हुआ है, जैसे ही देखा तो सामने दिख गया, ऐसा नहीं करना है। आप इसे अपने घर में स्टोर रूम है अगर तो वहां पे रख सकते हैं, या फिर अगर आपके बेड में स्टोरेज वाला बेड है तो आप उसमें डाल दीजिए और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रख दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपकी जो भी विश है, चाहे वो कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, वो जरूर पूरी होती है। और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आपको वो पैसे उसमें से निकालने हैं, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में, जहां पर भी जो भी आपका बिलीफ है उस हिसाब से आपको वो पैसे दान कर देने हैं और रुमाल को धोकर आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको कोई टोके नहीं। कई बार क्या होता है कि टोक लग जाती है, हम कुछ काम करने चलते हैं तब तक कोई आके एकदम से बोल देता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से आपको बचना है कि कोई भी आपको टोकने ना पाए, आपको चुपचाप अकेले में इस उपाय को करना है दोस्तों। और इस उपाय का रिजल्ट आप देखेंगे, आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे अनगिनत लोगों ने इसको किया है और सबको लाभ मिला है। तो दोस्तों आप भी इसे कीजिए। अगर आपकी कोई और समस्या है, आप अगर हमसे कोई और समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।